क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. तो क्वेश्चन में बोला है एक काइट है जो जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और जो काइट से स्ट्रिंग अटैच्ड है वो जमीन पे 60 डिग्री एंगल पे बंधा हुआ है. तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी हमें ये वाली लेंथ चाहिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो हम इसमें साइन का फॉर्मूला लगाएंगे. सबसे पहले नए नेमिंग कर देंगे. तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर है 60 और हाइपोटेनियस है ए सी. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 60/1 ए सी. तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 120/√3. इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई. तो आ जाएगा 120√3 अपॉन 3, यानी 40√3 मीटर. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गया है 40√3 मीटर. यही हमें निकालना था. थैंक यू.